अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ाई पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज देखते हैं, बगैर टमाटर के मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। टमाटर भी बहुत महंगे हो गए हैं तो हमारे घर तो नहीं आ रहे हैं, उसके बगैर हम अपना खाना बना रहे हैं। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ले लिया है, ये 1.25 किलो पनीर है और ये 1 कप मटर है, हरा धनिया, और ये मैं सूखे मसाले लिए हैं, धनिया, ये सौंफ है, काली मिर्ची है थोड़ी सी, एक काली इलायची, 2 लौंग, 2-3 हरी इलायची, जीरा और ये दालचीनी। ये हमें सूखा भून कर पीस दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये है 4 प्याज, नॉर्मल साइज़ की कटी हुई है, और ये 2-3 हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा लहसुन है। इसे भी हमें थोड़ा सा तेल में तल के पीसना है। और ये डाइस में कटी हुई प्याज है 1, और ये भी डाइस में कटी हुई शिमला मिर्ची है 2, और ये हमने 1 कप दही लिया है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। अब ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है बिना तेल के। अब मैं इसमें ये मसाले डाल के थोड़ी देर गरम करूँगी। जैसे इसमें खुशबू आने लगे हल्का सा, तो हमें इसे बंद करना है, इसे उतार के हमें पीस लेना है। अब मैंने इसे भून के निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। फिर मैं इसमें ये प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन डालकर थोड़ी देर सौते करूंगी। अब ये हम इसे थोड़ी देर इसमें चलाएंगे। इसी में हम थोड़े से काजू डालेंगे। अब ये काजू भी हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे। अब देखिए, ये हमारी प्याज नरम हो गई है। अब हम इसे बंद करके चूल्हे को और इसे बारीक पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है और ये मेरा मसाला पीस कर तैयार है। मैंने थोड़ी सी इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल दी है। अब मैं इसमें तेल में ये डाल के पनीर और प्याज डाल के थोड़ी देर चलाऊंगी। फिर हम मिर्ची के साथ अब 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। ये हमारा सारा पनीर इसमें जाएगा। फिर हम इसे अच्छी तरह थोड़ी देर चलाएंगे। ये हमने इसे डाल के अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से चला लिया है। इसे 2 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। अब जब तक ये थोड़ी देर पनीर तला जा रहा है, मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसे भी डाल के हमें हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे करना है।
फिर हम इसका मसाला भूनेंगे। अब ये मैंने कर लिया है, अब मैं इसे प्लेट में शिफ्ट करूंगी। अब हम थोड़ा इसका मसाला भूनेंगे। दही में ये 1 कप दही है, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। दो चम्मच धनिया पाउडर, इन्हें डाल के हमें मिक्स करना है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा, फिर हम तेल में इसे डाल के भूनेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल फिर से डाल दिया है, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और जो ये पाउडर बनाया था मैंने वो डालकर, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई 1 छोटी है, और हम इसे चलाएंगे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे यह हमारा दही का मसाला। अब हमें इसे डाल के अच्छी तरह भूनना है। इसे अच्छी तरह भून दीजिए। और इधर मैंने मटर को भी उबलने के लिए रखा है। ये हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तरी भी अलग हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने प्याज का पेस्ट पीसा था, इसे डाल के हमें थोड़ी देर भूनना है, और फिर हम इसी में डाल देंगे नमक। ये हमने 2 चम्मच नमक डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह भून लीजिए। अब देखिए ये हमारा मसाला भूनता जा रहा है। अब हम इस तरह डालेंगे इसके अंदर, ये हमने उबाल के पानी निकाल लिया था मटर में से, छान दिया था मटर को, ये हमने मटर इसमें डाल के थोड़ी देर इसमें पकने के। अब ये 2 मिनट हो गई है पकते पकते, अब हम इसमें डालेंगे ये पनीर और कैप्सिकम और प्याज। अब हम इसे चलाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको भी ये मेरी रेसिपी बिना टमाटर की पसंद आएगी। आप भी घर में इसी तरह बना के देखिए। फिर अब हम इसे ढकना है थोड़ी देर के लिए। इस वक्त आप इसका नमक मिर्च सब चेक कर लीजिए, जो कम हो वो डाल दीजिए, और इसे ढक के थोड़ी देर दम में हम पकाएंगे। ये मेरा हो गया है सालन तैयार, पनीर मटर कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और ये गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि हमने अंदर भी हमारे डाल रखा है, पनीर में भी हमने गरम मसाला बहुत डाल रखा है। तो आप लोग मेरे तरीके से बनाइए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए और प्लीज़ स्किप करके मेरी वीडियो मत देखिए, ताकि आपको सही तरीके से और आसानी से बनाने का मौका मिले। ये मैंने बिना टमाटर के बनाई है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।